हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोबोल के अंदर रीडिफाइन क्लॉज का यूज़ कर एक अल्फा न्यूमेरिक फील्ड को मल्टीपल स्मॉलर फील्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि एक अल्फा न्यूमेरिक फील्ड को मल्टीपल स्मॉलर फील्ड्स के लिए कैसे स्टोरेज शेयर करवा सकते हैं रीडिफाइन क्लॉज के साथ। ठीक है, इससे पहले भी हमने रीडिफाइन क्लॉज से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स पूरा देखा था कि कैसे रीडिफाइन क्लॉज वर्क करता है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्यों हमें उसे यूज़ करना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में एक डेफिनेशन बता दूंगा कि रीडिफाइन क्लॉज क्या होता है, और फिर हम सेम मैनर में प्रोसीड करेंगे। पहले मैं आपको प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाऊंगा। इस प्रोग्राम में कुछ बेसिक अभी हमने लिख के रखा हुआ है, तो मैं पहले वो शो करूंगा और फिर बाद में स्क्रैच से हम अपने कोड को लिखेंगे, है ना, और लास्ट में आउटपुट भी वेरिफिकेशन के लिए देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है और क्या हमने कोड लिखा था उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो रहेगा हमारा प्रोसेस। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉक नहीं करे हैं, वॉक थ्रू नहीं किए हैं, तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस है सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना, है ना, क्योंकि बेसिक अगर कवर हो चुका है पहले तो वो फिर अभी वापस अपन शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं, बट पूरा उतना डिटेल में नहीं करेंगे, है ना। बट पहले एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को सेपरेटली ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा अगर आप उसको फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो अभी अगर अपन देखें प्रोग्राम TSCB PGM 83, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कोबोल का। इस प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में लेता हूँ। एडिट मोड में लेने के बाद आप यहाँ देखोगे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक लिखा हुआ है। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, जब भी हमारे को प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है किसी भी सोर्स के अंदर, तो वो हम स्टोर करते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने दो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है। एक तो है प्रोग्राम आईडी, जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को, और एक है ऑथर, जो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे स्टोर की हुई है। अब हो सकता है कि आप लोगों के पास ऐसी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्टोर करनी है, तो वो भी आप इसी डिवीजन के अंदर स्टोर करोगे, बट मेक श्योर यही करना है कि वो प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, फाइन। तो ये डिवीजन डिक्लेयर करने के बाद में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक तीन लाइन को एज ए कमेंट लाइन डिक्लेयर किया है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो कमेंट कैसे बनता है, फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर रख के आपको 7 तक काउंट करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है, एस्ट्रिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद आप जो भी लिखोगे इस लाइन में वो एज अ कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये तीनों लाइन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तीनों लाइन क्या है, कमेंट। तो हमने क्या किया, कमेंट से एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर टॉपिक का नेम स्टोर कर दिया, जस्ट टॉपिक को शो करने के लिए। टॉपिक क्या है, रीडिफाइनिंग ए अल्फा न्यूमेरिक फील्ड एज अ मल्टीपल स्मॉलर फील्ड्स। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे मैंने बताया कि पहले बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बहुत छोटा सा रिकैप देता हूँ कि रीडिफाइन क्लॉज क्या होता है। इसको आप एक एग्जांपल सा समझो कि अगर आपको एक टास्क मिलता है जिसमें आपको एक कुछ टेक्स्ट है वो हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन, या तो हम दो पेपर लें और दोनों पेपर पे एक पे हिंदी पे और एक में हिंदी में इंग्लिश में लिखें, है ना, बट उसमें क्या होगा, स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो उस चीज़ को रीडिफाइन क्लॉज के साथ अगर रिलेट करके समझें तो कैसे उसका बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप एक सिंगल पेपर लो, उसके फ्रंट साइड पे इंग्लिश में लिखो और फ्लिप करके बैक साइड में हिंदी में लिखो, तो ये क्या कर लिया हमने, एक ही स्टोरेज को, है ना, एक ही पीस ऑफ पेपर को दो डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज़ कर रहे हैं। जिसको इंग्लिश में रीड करना है वो उसको बैक साइड से रीड करेगा, और जिसको हिंदी से रीड करना है वो उसको फ्रंट साइड से रीड करेगा। तो इस तरह की स्पेस यूटिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, रीडिफाइन क्लॉज के साथ। तो वैसे ही जब कोबोल प्रोग्राम के अंदर कोई एक चंक ऑफ डेटा है जिसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में हमें रिप्रेजेंट करवाना है, टू डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रीडिफाइन क्लॉज। क्या करेगा रीडिफाइन क्लॉज, आपके आपको अलाउ करेगा स्टोरेज है उसको शेयर करने के लिए। तो इससे अगर जस्ट पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने क्या देखा था कि एक सिंगल फील्ड थी उसको मल्टीपल में कैसे हमने यूज़ किया रीडिफाइन के लिए, और अब हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं एक अल्फा न्यूमेरिक फील्ड को एज मल्टीपल सिंगल फील्ड।
तो एक तरह से ये उसका वाइस वर्सा सेशन है, तो देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। और लास्ट में लाइन नंबर 10 पे हमने लिखा हुआ है स्टॉप रन, जो क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करता है। तो अब हमें क्या करना है, देखो कोई भी एग्जांपल समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या नीड होती है, हमें नीड होती है डेटा डिक्लेयर करने के लिए, है ना, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया डेटा डिवीजन। अब इस डेटा डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने बाकी सारे वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ I20 ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पे एक करेक्टर डाल के लाइन्स को ऐड कर लेते हैं और फिर हटा देते हैं, ठीक है। तो अब डेटा डिवीजन तो हमने बना लिया, डेटा डिवीजन के बाद में हमें क्या करना होता है, उसके बाद में हमें वर्किंग स्टोरेज सेक्शन डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन, ठीक है, ये हमने कर दिया वर्किंग स्टोरेज सेक्शन डिफाइन। अब इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर आप वो सभी वेरिएबल्स डिफाइन करोगे जो भी आपको थ्रू आउट प्रोग्राम यूज करने हैं। तो नॉर्मल वेरिएबल्स तो हमें पता ही है, अब हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उन वेरिएबल्स को जहाँ पे रीडिफाइन क्लॉज का यूज हो रहा है। तो पहला वेरिएबल उसके लिए डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पे 01, और इधर लिख देते हैं WS_name। हाइफन मैंडेटरी नहीं, आप चाहो तो हटा के नॉर्मल नेम भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा अलग शो करने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। और इसको अपन डेटा टाइप दे देते हैं, देखो लेवल नंबर तो हमने क्या दिया इसको 01, जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को, ठीक है। WS नेम क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया वेरिएबल नेम। तो जब भी आपको इस प्रोग्राम में इस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस करना होगा तो आप इसी वेरिएबल नेम और डेटा नेम का यूज़ करोगे। फिर हम लिख देते हैं PIC जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और X(10) जो डिनोट कर रहा है इसकी साइज को, ठीक है। X क्या डिनोट करता है, अल्फा न्यूमरिक, और 10 डिनोट करता है उसके साइज को। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि लाइन नंबर 10 पे हमने एक वेरिएबल बनाया WS नेम का, जिसमें हमने जिसको हम 10 कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो सेकेंड वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सेम लेवल नंबर लिखेंगे 01, इधर लिखेंगे WS first hyphen name। अब इधर यूज करेंगे रीडिफाइन क्लॉज, तो कैसे लिखेंगे, redefines क्लॉज, ठीक है, रीडिफाइन क्लॉज आ गया। फिर लिखना पड़ेगा आपको WS और यहाँ पे जो भी नेम आपका वेरिएबल का था, और यहाँ लिखेंगे PIC X(5। तो अब इससे क्या डिफाइन हो गया, इससे ये डिफाइन हो गया कि हम फर्स्ट नेम जो है वो कहाँ से रेफर कर रहे हैं या रीडिफाइन करवा रहे हैं, WS नेम से, ठीक है, और कितने करेक्टर्स, 5 करेक्टर। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, फर्स्ट 5 जो करेक्टर्स हैं उसका स्टोरेज जो है वो शेयर करेगा WS फर्स्ट नेम के साथ में, ठीक है। उसी तरह से अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 01 WS लास्ट नेम, ठीक है, ये आ गया लास्ट नेम। अब इस लास्ट नेम के अंदर हम फिर से लिखेंगे रीडिफाइंस, तो यहाँ आ जाएगा रीडिफाइंस WS_name। यहाँ भी उसी का रेफरेंस हम लेंगे नेम का, बट यहाँ पे एक चीज़ और स्पेसिफाई करनी पड़ेगी हमारे को, PIC X(5 वैल्यू फ्रॉम 6। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो 6th वैल्यू से इसमें डेटा लेके आएगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले वैल्यू को कुछ नेम दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू क्लॉज असाइन करता हूँ, वैल्यू ABCD XYZ, और यहाँ पे लिख देते हैं P, ठीक है। तो कितने करेक्टर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे PQR लिख देते हैं, PQR, ठीक है। तो ये कुछ हमने ऐसे ही अभी सैंपल डेटा मैंने डाला है, आप लोग चाहो तो कोई और वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो। तो आई थिंक अब ये 10 करेक्टर्स हो गए, जितना हमारा लेंथ है उतना, 2 4 6, ओके, ठीक है, ये हमारा 10 करेक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को सिंपली इसको प्रिंट करवा के वेरिफिकेशन करना है कि क्या प्रॉपरली ये चल रहा है क्या। तो प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम करेंगे वैल्यूज को डिस्प्ले।
तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले डब्ल्यू एस अंडरस्कोर नेम, पहले तो डायरेक्टली नेम प्रिंट करके देख लेंगे, उसके स्पेलिंग मिस्टेक, उसके बाद में फिर से डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एस फर्स्ट हाइफन नेम, और इसके बाद में डिस्प्ले डब्ल्यू एस लास्ट नेम। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली। अब इसको कर देते हैं अननेसेसरी जो ब्लैंक लाइन है इनको करेंगे डिलीट, जिससे कोड क्लीनअप लगे हमारे को। ओके फाइन, अभी इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि कुछ इश्यूज हैं क्या। देखो इश्यूज हैं, मतलब कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे हुआ है तो वो चेक करना है। वैल्यू क्लॉज में हमने एक तो कोट नहीं दिया, पहला मिस्टेक तो यही है। ठीक है, इस तरह से आपको कोट करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन सा इशू क्लिक कर रहा है। अभी देखते हैं और भी कुछ इशू है तो। यहाँ पे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन डेटा डिवीजन, आई थिंक कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक हमसे हुआ है। डिस्प्ले फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टॉप रन 01 डब्ल्यू एस नेम पी आई सी एक्स ऑफ 10 वैल्यू दिस। रीडिफाइंस डब्ल्यू एस नेम पी आई सी एक्स ऑफ 5 करेक्ट है। ओके ये भी ठीक है। ओके एक चीज़ है यहाँ पे, हम वैल्यू क्लॉज यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हम नहीं स्पेसिफाई करते, हम जस्ट नॉर्मली अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली लेंथ पिक कर लेता है जितना करेक्टर्स उसमें स्पेसिफाइड होता है ना। ये ऐसा आरपीजीली में होता है कि आपको स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन करनी होती है, बट यहाँ पे क्या होगा, आप नॉर्मली लिखोगे पी आई सी एक्स ऑफ 5, तो अब क्या करेगा वो, जैसे 5 करेक्टर्स अगर ऊपर वाले यहाँ पे सेलेक्ट हो गए तो रिमेनिंग 5 कहाँ आएंगे, लास्ट नेम में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं अभी कंपाइल हो रहा है क्या ये। तो अभी कंपाइल हो चुका है, इसका मतलब वही था कि हमको स्टार्टिंग पोजीशन वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करनी थी। तो अगर इसको मैं कॉल करके इसका आउटपुट देखूँ तो ए बी सी डी, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया नेम, और फिर इसने 5 5 करेक्टर्स को पिक करके, आई थिंक हमने दोनों जगह एक ही वैल्यूज प्रिंट किए हैं। ओके एक्चुअली कोड में एक इश्यू था जो मैंने अभी फिक्स किया, जस्ट मैं आपको वो वॉक थ्रू करा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। देखो डिक्लेरेशन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा हमें। पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वेरिएबल तो हमने जैसे डिक्लेयर किया था वैसा ही रहेगा। जब हम बाकी के जो दो वेरिएबल है सबफेस जो हम बनाने हैं उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए पहले आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा 01, फिर एक वेरिएबल का नेम रीडिफाइंस डब्ल्यू एस नेम। तो अब ये क्या करेगा, जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखा था पहले, तो ये क्या करेगा, ये पूरा वेरिएबल इसकी रेफरेंस ले लेगा, मतलब इसके साथ शेयर करेगा अपनी स्टोरेज को रीडिफाइंस की हेल्प से, है ना। और फिर इसके बाद में 05 जो इसका एलिमेंट शो हो रहा है, लेवल नंबर 05, मतलब ये इसके अंडर है ना, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तब इसके बाद में हम दो और ऐसे फील्ड्स बना लेंगे, 05 फर्स्ट नेम पी आई सी एक्स ऑफ 5 पी आई सी एक्स ऑफ 5। तो अब अगर हम ये तीनों वैल्यूज वापस से प्रिंट करके देखेंगे तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो इंडिविजुअल आएगा। दिखाता हूँ, इसको करते हैं कंपाइल कॉल, तो आउटपुट क्या आया, ये कंप्लीट नेम, ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करेक्शन करना होगा। आई थिंक उस टाइम पे कुछ इशू कर दिया हमने, वो सिंपल डिक्लेरेशन वैल्यू उसमें वर्क नहीं करता कोबोल में, है ना, उसके लिए आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। तो आई होप अब ये आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।